संत समाज का ये गुस्सा बिहार के शिक्षा मंत्री के नीतीश के बड़े ज्ञानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे हंगामा मच गया। बिहार से लेकर यूपी तक राम भक्तों, संत समाज और सनातनियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर क्या कहा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले संत समाज का ये रिएक्शन देखिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, ऐसी शिक्षा मंत्री को तत्काल हटाया जाए और चुनाव आयोग इनके आगे चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दे। आइए आपको सुनाते हैं श्री रामचरितमानस पर छिड़ी ये बहस। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर चरितमानस की, उनको जानकारी न हो तो पढ़ ले उसको। ये दर्शन में क्या है, वो देख रहे हैं कि जनाधार उनका जो है टूट रहा है, इसलिए ये आपस में हिंदू हिंदू को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह नफरत भरा बयान दिए हैं। अगर वो एक हफ्ते में क्षमा नहीं मांगेंगे तो मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा जो उनकी जीवा काट करके ले आएगा। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मूर्ख लोग शिक्षा मंत्री बन जाते हैं और उठपटांग भाषा बोलते हैं। उनको कहिए शिक्षा मंत्री नहीं है, वो भिक्षा मंत्री हैं। उनको कुछ ज्ञान नहीं है इस बारे में। संत समाज का ये गुस्सा है बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए, नीतीश के बड़े ज्ञानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे हंगामा मच गया। बिहार से लेकर यूपी तक राम के भक्तों, संत समाज और सनातनियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर क्या कहा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले संत समाज का ये रिएक्शन देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि ऐसी शिक्षा मंत्री को तत्काल हटाया जाए और चुनाव आयोग इनके आगे चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगाए। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मूर्ख लोग शिक्षा मंत्री बन जाते हैं और उठपटांग भाषा बोलते हैं। जो ग्रंथ समाज को जोड़ने वाला है, यहाँ कहा जाता है कि रामायण के संबंध में कि रामचरितमानस और भगवान राम के चरित है और भगवान रामचरित कोल भील बानर भालू सबको एक साथ जोड़ करके चलने वाले हैं, उस ग्रंथ को यह मूर्ख आदमी कह रहा है कि ये नफरत फैलाने वाला है या जोड़ने वाले ग्रंथ को नफरत फैलाने वाले कह रहे हैं। इसलिए यही हम कहेंगे कि ऐसे पद पर रहने वाले जो उठपटांग भाषा बोलते हैं, जो देश के हित में न होकर के एक प्रकार से उसका विद्रोह का रूप पैदा होता है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाना चाहिए और इनको सस्पेंड करके कभी भी चुनाव के लिए इनको घोषणा बंद कर देना चाहिए सरकार को, चुनाव आयोग को, कि ऐसे आदमी चुनाव ही न लड़े। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद संत समाज की ऐसी त्योरियां चढ़ी हैं कि पूछिए ही मत। अक्सर चर्चा में रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने न केवल मंत्री को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की, बल्कि दे दी एक बहुत बड़ी चेतावनी। माफी मांगने के लिए इन शिक्षा मंत्री को बता दी एक मियाद और ऐसा ना करने पर कर दिया एक बहुत बड़ा ऐलान। रामचरितमानस का अपमान यह समग्र जो है सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। रामचरितमानस की उनको जानकारी न हो तो पढ़ ले उसको। ये दर्शन में क्या है, वो देख रहे हैं कि जनाधार उनका जो है टूट रहा है, इसलिए ये आपस में हिंदू हिंदू को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह नफरत भरा बयान दिए हैं। तो संत समाज का गुस्सा चरम पर है। कोई ऐसे शिक्षा मंत्री को मूर्ख मंत्री बता रहा है तो कोई ऐसे शब्द बोलने पर जीवा के जल जाने का श्राप दे रहा है। चरितमानस भारत के लिए सर्वोच्च ग्रंथ है, इसको जलाया नहीं जा सकता। उनको कहिए शिक्षा मंत्री नहीं है, वो भिक्षा मंत्री हैं। उनको कुछ ज्ञान नहीं है इस बारे में। राम जी ने सबरी का बेर खाया, केवट के नाव पे चढ़े, निषाद राजगुरु के यहाँ रुके, उन्होंने भेद नहीं किया और राम जी के संबंध में ही रामचरितमानस लिखा गया है। तो जिसका नायक ही भेद बुद्धि से रहित हो उस ग्रंथ को कैसे जलाया जाएगा? चंद्रशेखर को जला देना चाहिए, उनकी जिह्वा जल करके गिर जाए, कट जाए, ये मैं कहता हूँ। अयोध्या से मैं मानस दास बोल रहा हूँ। जो शिक्षा मंत्री वो को तुरंत तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर जो है ना मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी चीज़ बयान देने से पहले समझना चाहिए कि हमारे भारत संस्कृति का ये बहुत अनमोल रामचरितमानस है जो
ये शिक्षा देने का काम करता है, ये तोड़ने का काम ना किया है ना करेगा। तो बिहार जैसे भूमि में ऐसे जो है मूर्ख शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल नीतीश सरकार को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो समाज में इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होगा समाज, और समाज जब अव्यवस्थित होगा तो उसका कारण ऐसे शिक्षा मंत्री ही होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि नीतीश के काबिल शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या बयान दे डाला। दरअसल पटना में नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दावा किया कि तुलसीदास की मनुस्मृति, रामचरितमानस और माधव सदाशिवराव गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबों ने देश में 85% आबादी को पिछड़े रखने की दिशा में काम किया है। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस को मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देता है। हालांकि हंगामे के बीच फंसे शिक्षा मंत्री ने अपनी सफाई भी दी, लेकिन उस सफाई में भी रामचरितमानस के कुछ कांडों को सवालों के घेरे में रखा। आपको बता दें कि इन दिनों पिछड़ों की सियासत बिहार और यूपी में खूब गरमाई है। जातीय जनगणना के बहाने इसे साधने की भरसक कोशिश की जा रही है। ऐसे में नीतीश के इन मंत्री का बयान भी इसी फेहरिस्त में माना जा रहा है, जो अब गले की फांस बन गया है। वैसे आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।